मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। तो एनसीईआरटी में अगर आपको समझना है, अच्छा स्कोर करना है, तो एग्जाम्पलर सॉल्यूशन बहुत ज़रूरी है ना। पार्ट वन एंड टू के वीडियोस बन चुके हैं, पार्ट थ्री ये रहा आपके सामने, ठीक है। यहाँ पे जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है। और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पार्ट थ्री है, तो इसके लिए मैं डिस्कस करने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 27 तक, ठीक है। 1 to 18 के क्वेश्चन जो हैं वो ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जनरली नॉन मेटल्स आर नॉट लस्चरस, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लस्चरस। ये लस्चरस वर्ड का जो मीनिंग होता है ना, ये होता है आपका कि जो थोड़ा सा चमकीला हो, है ना, जो थोड़ा सा शाइनिंग सरफेस हो। तो ज़्यादातर जो नॉन मेटल्स होते हैं वो तो होते हैं नॉन लस्चरस, बट कौन सा नॉन मेटल है जो लस्चरस है, ठीक है। यानी कौन सा नॉन मेटल है जो लस्चरस के कंपेयर में एक्सेप्शन है, ठीक है। ऑप्शन में आपके पास में ए में है सल्फर, बी में है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी इज नाइट्रोजन, ऑप्शन डी इज आयोडीन। तो जस्ट थिंक अबाउट इट, एनसीईआरटी की बुक में आपका ऑलरेडी आंसर दिया हुआ है ये, ठीक है। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आयोडीन, है ना। आयोडीन जो होगा आपका ये होगा लस्चरस कंपाउंड, ठीक है। नाउ लस्चरस एलिमेंट, ओके। नाउ द क्वेश्चन नंबर 20, Which of the following four metals would be displaced from the solution of its salt by three other metals? है ना, जो चार metals आपको यहाँ MCQs में दिख रहे हैं, ये चारों क्या पूछा हुआ है कि ये चारों जो metals है ना, ये metals की में से अगर कौन से metals किसी एक metals को displace कर देंगे, है ना। metal की reactivity series आपने समझी होगी। तो जैसे अगर मैं बोलूँ magnesium थोड़ा सा ज़्यादा reactive है copper से, तो magnesium can replace copper, तो कॉपर भी किसको रिप्लेस कर सकता है जो कॉपर से भी लेस रिएक्टिव है। तो ऐसा बोलना है इनका कि कौन सा मेटल जो है वो सबसे ज़्यादा लेस रिएक्टिव है, जिसको तीन मेटल्स, इस चार ऑप्शन में से तीन मेटल्स रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सिल्वर, है ना, एजी। एजी वुड बी द करेक्ट आंसर, बिकॉज जो सिल्वर है वो इन सब में से सबसे लेस रिएक्टिव है, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 21, 2 ml each of concentrated HCl, HNO3 and mixture of concentrated HCl at HNO3 and the ratio 3:1 were taken in the test tube labeled as ABC, ठीक है। क्वेश्चन में समझा देता हूँ पहले कि क्वेश्चन में बोला है आपको कि तीन टेस्ट ट्यूब हैं आपके पास, ठीक है, गिवन में। और ये तीनों टेस्ट ट्यूब में से आपका जो HCl है वो टेस्ट ट्यूब नंबर ए में रखा है उन्होंने, HNO3 जो है वो है टेस्ट ट्यूब नंबर बी में है, और टेस्ट ट्यूब नंबर सी के अंदर HCl एंड HNO3 इन दोनों को रखा हुआ है कितना, 3:1 में, ठीक है। अब इतना तो आपका गिवन में इस क्वेश्चन मैंने समझा दिया। आगे पढ़ लेते हैं यहां से। A स्मॉल पीस ऑफ द मेटल was पुट इन ईच टेस्ट ट्यूब, एक छोटा छोटा मेटल सारे भी टेस्ट ट्यूब के अंदर रखा हुआ है। नो चेंज अकर्ड इन द टेस्ट ट्यूब ए एंड बी, ये सारे मेटल के साथ एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है आपका, और ऐसा बोल रहे हैं कि छोटा सा जो मेटल है वो ए और बी के जब टेस्ट ट्यूब में हम डालते हैं तो देयर इज नो चेंज, यानी उसके अंदर ना ही एच सी एल का कोई फर्क पड़ता है, ना ही एच एन ओ थ्री का फर्क पड़ता है, बट ए बी नोट चेंज, बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द मेटल गोट डिजोल्व इन टू द सी रिस्पेक्टिवली। बट मेटल को जब हम टेस्ट ट्यूब नंबर सी में ऐड करते हैं तो मेटल जो आपका है वो डिजोल्व हो जाता है। तो आपको बताना है कि ये चारों में से कौन सा मेटल ऐसा होगा जो कि ऐसी प्रॉपर्टीज को शो करता है, ओके। एग्जाम्पल आपके एग्जाम बुक में ही है इसका, थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है इसमें, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो थोड़ा सोचो इसमें। एल्यूमिनियम ऑप्शन में है, गोल्ड है ऑप्शन में कॉपर है एंड प्लेटिनम है, ठीक है। तो इसमें से जो सबसे लेस रिएक्टिव एलिमेंट होगा ना, उसके चांसेस ज़्यादा हैं यहाँ पे डिजॉल्व होने के, मैं आपको हिंट दे दे रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मैं आपको आंसर बताने से पहले एक वर्ड बताना चाहूँगा जो कि इसके आंसर से डायरेक्टली रिलेटेड है ना, और वो वर्ड है एक्वारेसिया। एक्वारेजिया एक ऐसा सॉल्यूशन है जो कि HNO3 और HCl का रेशियो, दोनों का मिक्सचर होता है 3:1 में, है ना। उसके अंदर 3:1 में होता है आपका HCl और 1:1 में होता है HNO3, और ये एक्वारेजिया वही लिक्विड है जिसके अंदर आपका गोल्ड डिजोल्व हो सकता है, बाकी कोई भी एसिड कोई भी बेस गोल्ड को डिजोल्व नहीं कर सकता। तो दैट्स वाई यहाँ पे जो टेस्ट ट्यूब नंबर आपका सी है ना इधर, तो इससे टेस्ट ट्यूब नंबर सी में ये 3:1
में होने की वजह से यहाँ पे गोल्ड को वो डिसॉल्व कर लेगा. तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गोल्ड. ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया हो. फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा है कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए. ठीक है, मैं सेपरेटली वीडियो बनाने का ट्राई करूंगा एक बार इसी पर. नाउ एन अलॉय इज, एक अलॉय जो है वो क्या होता है. ठीक है, ऑप्शन ए है आपका एन एलिमेंट, ऑप्शन बी है आपका एन कंपाउंड, ऑप्शन सी है होमोजीनियस मिक्सचर, ऑप्शन नंबर डी इज हेटरोजीनियस मिक्सचर. तो अलॉय जो है वो क्या है, एलिमेंट है, कंपाउंड है, होमोजीनियस मिक्सचर है या हेटरोजीनियस मिक्सचर है. आई होप सो कि एलिमेंट, कंपाउंड, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेटरोजीनियस मिक्सचर, ये चारों टॉपिक जो है आपने 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, है ना. तो आपको पता होगा कि एक अलॉय जो है वो क्या है. अलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, है ना. होमोजीनियस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ द मेटल्स और यू कैन से नॉन मेटल्स, है ना. मेटल के साथ में नॉन मेटल का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है अलॉय में, और मेटल के साथ में मेटल का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है अलॉय में. बट एक चीज जो है वो इंपॉर्टेंट है, होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द वीडियो इज क्वेश्चन नंबर 23. एन इलेक्ट्रोलाइट सेल कंसिस्ट ऑफ, एक इलेक्ट्रोलाइट जो सेल है जिसके अंदर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, है ना, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन यू कैन से, तो वो उसके अंदर क्या होता है, वो आपके स्टेटमेंट लिखे हुए हैं यहाँ पे. पॉजिटिव चार्ज कैथोड होता है क्या उसके अंदर, नेगेटिव चार्ज एनोड है, फिर पॉजिटिवली चार्ज एनोड है और नेगेटिवली चार्ज कैथोड है, है ना. आपने डायग्राम में जब देखा होगा इलेक्ट्रोलाइसिस के, कॉपर का रिडक्शन जो था आपकी बुक में मेटल्स है नॉन मेटल्स में, तो उसमें डायग्राम बना हुआ है, तो उसमें एनोड और कैथोड के ऊपर उसका चार्ज लिखा हुआ है, है ना. तो अगर उस चार्ज को तुम्हें अच्छे से तुमने याद कर लिया है, तो आई थिंक यू गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना. तो वहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज एनोड एंड नेगेटिवली चार्ज कैथोड, ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है. ठीक है, तो एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं हमारे पास. तो दो स्टेटमेंट करेक्ट है, मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड एंड फोर्थ. तो कहाँ पे है थर्ड एंड फोर्थ देख लीजिए आप, है ना, कहाँ पे है थर्ड एंड फोर्थ, ये रहा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, है ना. तो थर्ड एंड फोर्थ जो स्टेटमेंट है आपका, पॉजिटिवली चार्ज एनोड एंड नेगेटिवली चार्ज कैथोड आर करेक्ट. ठीक है, नाउ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, थर्ड स्टेटमेंट एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज करेक्ट. नाउ द क्वेश्चन नंबर 24. ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ जिंक इट गेट्स, ध्यान से समझना है, मैंने अभी अभी बोला इलेक्ट्रोलाइटिक डिफ्यूजन, है ना, अभी अभी हमने इलेक्ट्रोलाइसिस की बात की है. तो इलेक्ट्रोलाइसिस में आपके पास दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो होता है कैथोड और एक तो होता है एनोड. अब जिंक को, जिंक का क्या कर रहे हैं, हम रिफाइनिंग कर रहे हैं, तो इट मीन्स कैथोड और एनोड, इन दोनों में से किसी एक के ऊपर जिंक को आके चिपकना होगा, अटैच होना होगा. तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जिंक किसके ऊपर अटैच होगा. अब एक कॉमन सेंस की बात है ना, जिंक एक मेटल है जिसकी वैलेंसी होती है दो, है ना, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसकी वजह से इसका जो चार्ज होता है वो होता है 2+. तो अगर जो मैं बोलूं कि जो प्लस चार्ज वाला एलिमेंट है वो हमेशा माइनस चार्ज वाले एलिमेंट की तरफ में जाएगा, बिकॉज अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट्स जो सिमिलर चार्जेस है. जैसे कैथोड का चार्ज है वो क्या है, नेगेटिव है, और जिंक का चार्ज, यहाँ पे मैंने अभी अभी बोला कि जिंक इज पॉजिटिव, कैथोड इज नेगेटिव, तो जिंक कहाँ पे डिपॉजिट होगा, कैथोड पे होगा. सर एनोड पे क्यों नहीं होगा, बिकॉज एनोड का जो चार्ज है वो क्या है आपका, एनोड का जो चार्ज है वो ऑलरेडी पॉजिटिव है, और एनोड का चार्ज जब पॉजिटिव आपको मिलेगा तो जिंक भी पॉजिटिव और एनोड भी पॉजिटिव तो कभी होगा ही नहीं. डिपॉजिटेड ऑन कैथोड एज वेल एनोड दोनों पे पॉसिबल नहीं है. रिमेन इन द सॉल्यूशन, भाई सॉल्यूशन में नहीं रहेगा, है ना, बिकॉज वो एक्टिव एलिमेंट्स है, और एक्टिव एलिमेंट्स है तो जब पॉजिटिव है तो नेगेटिव की तरफ मूव करेगा. ठीक है, तो आंसर, राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, डिपॉजिटेड ऑन कैथोड. ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका. क्वेश्चन नंबर 25. एन एलिमेंट ए इज अ सॉफ्ट, कैन बी कट विथ अ नाइफ. एक ऐसा एलिमेंट है जो कि सॉफ्ट है, है ना, सॉफ्ट टू टच है, और वो कट नाइफ से कट हो सकता है. तो मोस्ट ऑफ ऑल आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे नॉन मेटल होगा, है ना. तो देख लेते हैं ऑप्शन में. इट इज वेरी रिएक्टिव इन एयर, हवा के साथ रिएक्शन कर सकते हैं आप, उसको ओपन एयर में नहीं रख सकते. एंड कैन नॉट बी केप्ट इन ओपन एयर, है ना, उसको खुली हवा में हम नहीं रख सकते. इट रिएक्ट्स विथ वर्ग्यूसिलिवर्स वाटर. वर्ग्यूसिलिवर्स वाटर मतलब क्या है कि वो वाटर के साथ भी फटाफट रिएक्ट कर लेता है. और वाटर के साथ जब रिएक्शन होता है ना, तो हिंट के लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे फायर कैच होगा. और अगर फायर कैच होगा तो आई थिंक आप समझ चुके होंगे कि ये राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन आपका क्या होगा. तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सोडियम. यस,
सोडियम इज अ सॉफ्ट मेटल, हम उसको नाइफ से काट सकते हैं, ओपन एयर में आप नहीं रख सकते, और इसके लिए हम सोडियम को रखते हैं केरोसिन के अंदर, और वो वाटर के अंदर भी क्या कर सकता है, बर्न कर सकता है, फायर क्रिएट कर सकता है, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 26, अलॉय आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल विथ नॉन मेटल, है ना, मेटल मेटल के साथ में अलॉय बना सकते हैं और मेटल और नॉन मेटल के साथ में भी बना सकते हैं, ये तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। क्वेश्चन आगे शुरू होता है आपका कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग अलॉय कंटेन नॉन मेटल एज वेल एज मेटल इन कॉन्स्टिट्यूएंट्स, है ना, तो कौन से अलॉय के अंदर आपका नॉन मेटल भी होता है और मेटल भी होता है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट के रूप में, तो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। जो ब्रास है, ब्रॉन्ज है, अमालगम है और स्टील है, ये आपके ऑप्शन में है, ठीक है। तो अब राइट ऑप्शन आप सोचने से पहले इनके कंपोनेंट पता होना चाहिए आपको। जो ब्रास है आपका, ये बना होता है दो एलिमेंट से, क्या, जिंक एंड कॉपर, तो जिंक और कॉपर में से कोई भी क्या है, नॉन मेटल नहीं है। ब्रॉन्ज जो है जिंक कॉपर और टीन को मिला के बनाते हैं, तो फिर इसमें भी कोई क्या नहीं है, समझ रहे हो ना, इसमें भी कोई नॉन मेटल नहीं है। अमालगम हम उसको बोलते हैं जिसके अंदर हम मर्क्यूरी HG है ना, मर्क्यूरी का जो मिक्सअप होता है उसको बोलते हैं अमालगम, तो फिर ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट होगा। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज स्टील, बिकॉज स्टील को बनाने के लिए उसके अंदर 0.5% कार्बन ऐड किया जाता है विच इज़ अ नॉन मेटल, तो नॉन मेटल का कंस्टिट्यूएंट किसके अंदर होगा, स्टील के अंदर होगा। याद रखना ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही है तो उसको फिर से समझो, कोशिश करो, बट खाली नहीं रहना चाहिए, है ना, छूटना नहीं चाहिए कोई चीज़। नाउ द क्वेश्चन नंबर 27, विच अमोंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर द मैग्नीशियम मेटल, मैग्नीशियम मेटल के लिए कौन सा जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, ये वर्ड पे ध्यान देना थोड़ा, इनकरेक्ट बोला है। इट बर्न्स विथ ऑक्सीजन इन डाजलिंग विथ वाइट फ्लेम, है ना, मैग्नीशियम मेटल का तो आपको पता ही होगा, रिबन के जो हम अगर फायर के अंदर रखते हैं थोड़ा सा, तो वो एक डाजलिंग वाइट फ्लेम की, यानी थोड़ा सा फुलझड़ी जैसे जलने लगता है, तो ये तो स्टेटमेंट सही है, तो इसको हम इनकरेक्ट नहीं बोल सकते। इट रिएक्ट्स विथ कोल्ड वाटर फ्रॉम द मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड इवॉल्व्स हाइड्रोजन गैस, तो भाई नहीं, यहाँ पे नहीं होगा, कोल्ड वाटर के साथ में कभी भी मैग्नीशियम रिएक्शन नहीं करता है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में जब भी वाटर के साथ रिएक्शन होता है तो एक बार जाके NCERT के अंदर तीन टाइप के मेटल को डिस्कवर कर लेना, पढ़ लेना उसको, ठीक है। उसके अंदर कुछ मेटल्स मिलेंगे जो कि नॉन मेटल, जो कि नॉर्मल कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, कुछ ऐसे मेटल्स मिलेंगे जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, और कुछ ऐसे भी मिलेंगे जो कि सिर्फ स्टीम के साथ ही रिएक्शन करते हैं, तो आपको पता होने चाहिए कि वो मेटल कौन कौन से हैं, तो एक बार रीडिंग इसकी जरूरी है। इट रिएक्ट विथ हॉट वाटर फ्रॉम द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, हाँ वो हॉट वाटर के साथ मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा, पहला तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। इट रिएक्ट विथ स्टीम टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो अगर वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो स्टीम के साथ भी रिएक्ट करेगा, बिकॉज हॉट वाटर स्टीम में ज्यादा फर्क नहीं है, है ना। तो क्या होगा आपका राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन इज इनकरेक्ट, है ना, तो ये इनकरेक्ट होने की वजह से जो है आपका ये राइट आंसर है। तो अभी आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे, आई होप कि आप इस वीडियो का जो पार्ट 4 मैं रिलीज करूंगा वो आप इसको चेकआउट करेंगे, ठीक ना। अगर कोई डाउट्स आते हैं तो आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, तो आपको पता ही है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे, स्टे ट्यून।